देखो यहाँ पे आपका पेज 32 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है, उसका 8th नंबर, ठीक है। पेज 32 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 उसका 8th नंबर। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, ठीक है। माइकल ने एक पिक्चर कंप्लीट की, फिनिश करी, कलर करना, उसको टाइम लगा 7/12 आवर, ठीक है। वैभव फिनिश द कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, वैभव ने यही पिक्चर 3/4 आवर में कंप्लीट की। हु वर्क्ड लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया, कितने ज्यादा लंबी देर काम किया। हु वर्क्ड लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब बड़ा, ठीक है, आपको बड़ा फाइंड करना है। ग्रेटर, लॉन्गर मतलब ग्रेटर, ठीक है। वर्क, तो यहाँ देखो फिर से, मतलब यहाँ दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं। हु वर्क्ड लॉन्गर मतलब बड़ा कौन, और दूसरा क्वेश्चन है बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना, हाउ मच, कितना माइनस करोगे मतलब, तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले आप देखो माइकल दिया हुआ है, तो देखो माइकल, और ये दिया हुआ है वैभव, ठीक है। तो माइकल कितना है, माइकल 7/12, ठीक है, और वैभव कितना है, वैभव 3/4, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 7/4 जा और ये 3 है, 12 इधर ले जाओ, ठीक है, 7/4 जा, ठीक है, 28 होता है, 3/12 जा, 12/3 जा, 36 होता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, तो देखो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है, मतलब वैभव, मतलब वैभव वर्क लॉन्गर, हु वर्क लॉन्गर, तो वैभव, तो वैभव वर्क लॉन्गर, ठीक है, वैभव वर्क लॉन्गर, भाई उसने ज्यादा लंबी देर काम किया, ठीक है, क्योंकि डायनासोर का बड़ा मुंह उसके साइड है, ठीक है, बड़ा जिसके साइड वो लॉन्गर ग्रेटर वही, ठीक है। तो वैभव ने ज्यादा लंबी देर काम किया। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना, कितना पूछ रहा है। तो कितना क्या होता है, माइनस बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है, वैभव, और छोटा है माइकल, तो बड़ा माइनस छोटा, हाउ मच करना है। पहला पार्ट तुमने कर लिया, ये पहला पार्ट पूछा था तुमने कर लिया, दूसरा बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना लंबा था, ठीक है। तो 3/4 माइनस 7/12, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एलसीएम निकालो 4 और 12 का, तो देखो 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा, एलसीएम क्या आया आपका, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आया, ठीक है, एलसीएम 12 आया, ठीक है, 3/4, ठीक है, 3/4, 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 12 देंगे, ठीक है, 12 मिलेगा, तो 4 3 जा माइनस 7/12 मल्टीप्लाई 1 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। मतलब देखो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 3/4 12 मिल रहा है, तो 4 3 और 3 ऊपर भी, 12 नीचे है, 1 नीचे भी ऊपर भी, ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, माइनस 7 1 जा 7, 12 1 जा 12, ठीक है। तो देखो दोनों का एलसीएम आपने सेम बना दिया, दोनों का एलसीएम आपने सेम बनाया, तो 12 को 1 कर दो, ठीक है, 9 माइनस 7, ठीक है, 9 में से 7 गए, 2 बचे अपॉन 12, ठीक है, 2/12 कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 1/6, ठीक है, 1/6, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, 3/4 माइनस 7/12, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 निकला, 12 को 4 को 3 से करें, 3 को भी 3 से, 12 को 1 से करें, 7 को भी 1 से, ठीक है, 12 12 सेम कर दिया, 2/4 कट शॉर्ट करने का, देखो कट शॉर्ट होता है तो करने का, ठीक है, होता है तो करने का, नहीं होता है तो छोड़ दो, इसमें देखो 2 और 12 का कट शॉर्ट हुआ तो करोगे, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 1/6, तो हुआ बाय व्हाट फ्रैक्शन, इट वॉज longer by 1/6 hour, ठीक है। बच्चों अभी आपके आरडी में है, आरडी में क्वेश्चन 6 का फर्स्ट है,
आरडी में क्वेश्चन 16 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 2.1 पेज 2.13, ठीक है, पेज 2.13 है। पेज 2.13, ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 10/30 है, ठीक है, तो 2/3 बॉक्स इज इक्वल टू 10/30 है, तो ये बॉक्स फाइंड करना है आपको, ये जो बॉक्स है ना वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे बॉक्स, तो देखो यहाँ पे मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, देखो सॉल्यूशन 2/3 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 10/30, ठीक है, यहाँ अंदर क्या आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए आप बताओ क्या आएगा। तो देखो 3 की टेबल में ऐसा क्या डालोगे कि 30 मिले, 3 की टेबल में क्या डालोगे कि 30 मिले, तो 10, ठीक है, 2 की टेबल में ऐसा क्या डालोगे कि 10 मिले, क्या डालोगे 5, ठीक है, चेक करो 2 5 जा 10, 3 10 जा 30, तो आंसर क्या हुआ 5/10। प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स एंड ऑल्सो गिव इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर बोला है सिंपल फॉर्म भी लिखो, पहले कह रहा है बॉक्स में नंबर लिखो, तो नंबर लिख दो 5/10, नंबर लिख दो 5/10, ठीक है, नंबर लिखा 5/10। अच्छा अब क्या बोल रहा है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपल फॉर्म क्या होता है, इसको कट शॉर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कट शॉर्ट, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 5/10, ठीक है, 5/10 का कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या है हाफ। तो देखो उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स, तो ये बॉक्स में नंबर आए, ऑल्सो गिव इट सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कट शॉर्ट 1/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सेकेंड नंबर है 3/5 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 24/75, ठीक है, 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 24/75 मिले, किससे करोगे, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, अच्छा 5 की टेबल में क्या डालोगे कि 75 मिले, पता लगता है 5 की टेबल में क्या डालोगे 75 मिले, आपको देखो ऐसे याद हो ना कि 5 की टेबल में क्या डालो 75 मिले, तो नहीं पता हो ना तो ऐसे करके देख लो, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2 और 5 नीचे उतारो, 5 5 जा 25, ठीक है, तो 15 है, ठीक है, ये 15 है, तो 5 15 जा 75 होता है, ठीक है, 5 15 जा 75। अच्छा ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 24 मिले, ऊपर क्या करोगे कि 24 मिले, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 8 जा, ठीक है, 3 8 जा 24, ठीक है, 5 15 जा 75, 3 8 जा 24, ठीक है, तो 8/15, ठीक है, 8/15, तो 8/15, ठीक है, मतलब 5 में ऐसा क्या डालोगे कि 75 मिले, 5 15 जा, फिर 3 में ऐसा क्या डालोगे 24 मिले, 3 8 जा 24, ठीक है। ये ऐसे सम्स 1 मार्क के ब्लैंक्स में आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन अपॉन वाला सम है, मैम पूछ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में नहीं है तो मैम नहीं पूछेगी। देखो मैथ्स में आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते क्वेश्चन पूछने में, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3/5 × 8/15 = 24/75, ठीक है। अच्छा अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 का सिंपल फॉर्म करो, कट शॉर्ट होगा 8/15 का कट शॉर्ट होगा, नहीं होगा, कट शॉर्ट हो ही नहीं रहा है, 2 की टेबल में 8 आता है पर 15 नहीं आता है, तो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो यही आंसर, ठीक है, 8/15, ठीक है। बच्चों यहाँ आपके एक्सरसाइज 2.2 पेज 36 पे क्वेश्चन 1 ही है, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो, कि इनमें से कौन सी ड्रॉइंग क्या दिखा रही है, ठीक है। तो देखो पहले तो पिक्चर काउंट करो, देखो यहाँ पे ये कितनी पिक्चर्स है 1 2 3, ये कितनी पिक्चर्स है 1 2, ये कितनी है 1 2 3, ये कितनी है 1 2, मतलब जो 2 वाले है ना उनका आंसर
वाले नहीं मिलेगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये, ठीक है। इसका आंसर इन दोनों का, इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा मतलब क्योंकि टू है ना तो आगे टू है दोनों। अच्छा अभी वन अपॉन फाइव वाला कि वन अपॉन टू वाला, तो देखो यहाँ कितने हैं, वन टू, टोटल कितना है टू, तो टोटल हमेशा नीचे आता है, तो देखो टू टोटल नीचे आया और उसमें से एक शेडेड है तो वन अपॉन टू, मतलब सेकेंड का क्या होगा, बी होगा, ठीक है, सेकेंड का बी, ठीक है। अच्छा फिर ये टू वन अपॉन फाइव, तो ये देखो टू और ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें से एक ही शेडेड है तो टू वन अपॉन फाइव, ठीक है, तो ये इस तरह से। अच्छा अब देखो थ्री वाला रहा, ठीक है, ये एक दो तीन, एक दो तीन, थ्री वाला रहा, ठीक है। तो थ्री वाले में देखो फिर से देखो एक दो तीन जो टोटल होता है वो नीचे आता है अपॉन थ्री, तो देखो अपॉन थ्री टोटल नीचे आ रहा और कितने शेडेड है, वन टू, तो वन टू, मतलब ये ए वाला थ्री के साथ रहेगा, ठीक है, और जो रहा वो सी का, ठीक है। मतलब वन का आंसर क्या आया, वन का आंसर आया बी, टू का आंसर आया बी, थ्री का आंसर क्या आया, थ्री का आंसर, थ्री का आंसर आया ए, और फोर का आंसर क्या आया सी। ठीक है, मतलब कैसे करोगे आप, मतलब ध्यान से देखो आप, ये जो फर्स्ट वाला कैसे किया, पहले ये जो नंबर्स हैं आगे उतने हैं वो, ठीक है, वो कितने ड्राइंग कितनी है, वन टू थ्री, तो वो थ्री, ठीक है। उसके बाद अंदर जो ये काउंट करोगे ना, ये खाद, ये जो उसके फ्रैक्शंस है वन टू थ्री, वो टोटल हमेशा नीचे आएगा, तो ये नीचे आया, ठीक है। फिर इसमें से जो शेडेड है वन टू, तो टू, ठीक है, इसमें से एक दो तीन, मतलब एक पहले से ही आपको पता लग जाएगा, जैसे ये दो है वन टू, तो टू नीचे आएगा, ठीक है, टू नीचे आएगा और एक शेडेड है, ठीक है, वन अपॉन टू, ठीक है। तो इस तरह से वन का डी, टू का बी, थ्री का ए, फोर का सी, ठीक है, ये आपका आंसर है। बच्चों अभी देखो आप क्वेश्चन टू, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो टेल विच ऑफ देम शो, ठीक है। तो फर्स्ट है थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव, तो थ्री वाली थ्री पिक्चर किस किस में है वो ढूंढो, तो देखो ये एक दो ही है, ये एक दो तीन, ये एक दो तीन, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है। अब थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव है, थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव, तो वन देखो फाइव, फाइव पार्ट जो नीचे पार्ट होता है ना वो टोटल होता है, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन अपॉन फाइव, इसका मतलब ये है, ठीक है, थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव, देखो आप थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव, तो देखो ये एक दो तीन और वन अपॉन फाइव, फाइव मतलब टोटल जो नीचे होता है वो टोटल होता है, वन टू थ्री फोर फाइव टोटल होता है, तो वन अपॉन फाइव, ठीक है। तो थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, तो थ्री कहाँ है, तो देखो ये थ्री अपॉन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो थ्री पार्ट, तीन पार्ट इन पांच के, थ्री अपॉन फाइव, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है टू मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, ठीक है, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ठीक है, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, फिर से टू किस में है फिगर, ये टू है, ठीक है, वन अपॉन थ्री, तो देखो एक दो तीन, ठीक है, तो वन अपॉन थ्री, ठीक है, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, ठीक है। अच्छा इसके बाद थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर, थ्री क्या है, तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री, तो थ्री है, थ्री अपॉन फोर, फोर कितने है, वन टू थ्री फोर, तो उसके तीन शेडेड है, ठीक है, तो थ्री अपॉन फोर इसका मतलब ये, ठीक है। मतलब जो अपॉन में वस्तु होती है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो टोटल लिखा होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो शेडेड लिखा होता है, ठीक है, जो यहाँ ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर होता है वो शेडेड होता है, और जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं वो टोटल होता है, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो इस तरह से ही है, और ये जो टोटल जितने हैं, जैसे थ्री है तो ये रहा वन टू, ओ सॉरी टू है तो ये रहा वन टू, ठीक है, थ्री है तो ये रहा वन टू थ्री, इस तरह से, या इन्होंने इक्वल में थ्री अपॉन फाइव लिखा है, थ्री अपॉन फाइव मतलब
पांच टोटल है और थ्री शेडेड है, देखो पांच एक दो तीन चार पांच, उसमें तीन शेडेड, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, इसका मतलब क्या है थ्री टोटल है, एक दो तीन और दो शेडेड है, ठीक है। फिर टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर वन अपॉन फोर है, टू इंटीजर वन अपॉन फोर का मतलब क्या हुआ, कौन सा हुआ इसमें, थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर है ना, तो ये वाला ही हुआ, ठीक है। तो टू शेडेड है, देखो टू शेडेड और वन अपॉन फोर, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर है, देखो टू इंटीजर वन अपॉन फोर है, तो देखो इसका शेडेड ये है, देखो ये कैसे हुआ, आप सोच रहे हो कैसे हुआ, देखो इसको सॉल्व करो, टू इंटीजर वन अपॉन फोर को सॉल्व करो, टू इंटीजर वन फोर टू जा एट, एट प्लस वन नाइन अपॉन फोर, नाइन अपॉन फोर इसका मतलब क्या है, फोर टोटल है पार्ट और नाइन शेडेड है, फोर टोटल पार्ट है और नाइन शेडेड है, तो देखो वन टू थ्री फोर, फोर टोटल पार्ट और कितने शेडेड है, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, ऐसे नाइन अपॉन फोर, मतलब इसको मिक्सड फ्रैक्शन को आपको रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, मैं नहीं समझाती तो भी आपको आ जाता। क्वेश्चन थ्री है आपका एनसीईआरटी में ही, पेज 36 एक्सरसाइज 2.2 पे, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बोल रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर रिड्यूस, रिड्यूस मतलब फिर कट शॉर्ट करो, पहले बोल रहा है मल्टीप्लाई करो इसके बाद फिर कट शॉर्ट करो, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म मतलब कट शॉर्ट करो इसके बाद, एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कट शॉर्ट करने के बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करो, ठीक है। तो तीन चीजें मांग रहा है, पहली मल्टीप्लाई, दूसरा रिड्यूस का मतलब कट शॉर्ट, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीन चीजें आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो पहले देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो सेवन मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फाइव है, तो कैसे करोगे, सेवन थ्री जा अपॉन फाइव, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अपॉन में, तो ऊपर वाला ही सेवन ऊपर वाला है, ऊपर वाला ऊपर वाला, जैसे सेवन थ्री जा और अपॉन फाइव, ठीक है। सेवन थ्री जा क्या होता है, ट्वेंटी वन होता है, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ठीक है। सेवन थ्री जा क्या होता है, ट्वेंटी वन अपॉन फाइव, ठीक है। सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अपॉन फाइव कट शॉर्ट होता है, क्या ट्वेंटी वन फाइव से कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसने बोला रिड्यूस करो, नहीं हो रहा है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये जो नीचे वाला है वो साइड में रखो, ऊपर वाला है वो बीच में रखो, फाइव इलेवन ट्वेंटी वन कब आता है, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ठीक है। तो माइनस वन आया, ठीक है, तो फाइव फाइव फोर जा, यहाँ फोर आएगा, ठीक है, फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस वन, ठीक है, ट्वेंटी वन अपॉन फाइव, ठीक है। सेकेंड नंबर देखे, मतलब आपने पहले क्या किया, आपने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, फिर बोला रिड्यूस करो, कट शॉर्ट तो हुआ ही नहीं, फिर आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाला, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, ठीक है, फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, ठीक है, फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही कट शॉर्ट, पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री, ठीक है, फोर वन जा फोर अपॉन थ्री, ठीक है। तो फिर से थ्री बाहर फोर अंदर, थ्री वन जा थ्री वन, ठीक है, कैसे करोगे, थ्री थ्री वन जा थ्री प्लस वन, ठीक है, थ्री वन जा थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड नंबर। अभी थर्ड और फोर्थ देखें, थर्ड नंबर टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन, ठीक है, टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन, और फोर्थ नंबर फाइव मल्टीप्लाई टू अपॉन नाइन, ठीक है, टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन, फाइव मल्टीप्लाई फोर अपॉन नाइन, टू अपॉन नाइन, ठीक है। तो टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन फिर से मल्टीप्लाई करो, टू सिक्स जा और अपॉन सेवन, ठीक है, टू सिक्स जा
ट्वेल्व अपॉन सेवन, कट शॉर्ट हो रहा है, कुछ कट रहा है, ट्वेल्व के सेवन के टेबल में ट्वेल्व आता है, नहीं आता है, कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो सीधा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो सेवन और ट्वेल्व अंदर, सेवन वन जा सेवन, ट्वेल्व में से सेवन गए फाइव, ठीक है फाइव बचेंगे तो सेवन वन फाइव, ठीक है सेवन जा सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व अपॉन सेवन, ठीक है। अच्छा फिर अब यहाँ देखो फाइव और टू है अपॉन नाइन है, तो फाइव टू जा अपॉन नाइन, ठीक है फाइव टू जा टेन अपॉन नाइन, ठीक है तो कट शॉर्ट हो रहा है, टेन और नाइन का कट शॉर्ट होगा नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन में करो, नाइन वन जा नाइन माइनस वन, ठीक है तो नाइन वन जा नाइन प्लस वन, ठीक है टेन अपॉन नाइन, ठीक है। अच्छा अच्छा फिफ्थ नंबर देखें अभी, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ नंबर है आपका टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फोर, ठीक है फिफ्थ टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फोर, और सिक्स क्या है फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाई सिक्स, ठीक है कैसे करेंगे फिर से वैसे ही करें, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें, कैसे इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फोर अपॉन थ्री, ठीक है टू मल्टीप्लाई फोर अपॉन थ्री, टू फोर जा एट अपॉन थ्री, ठीक है कट शॉर्ट हो रहा है, कट शॉर्ट नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे जो ये अपॉन वाला है वो बाहर लिखेंगे, थ्री टू जा सिक्स माइनस एट में से सिक्स के टू, ठीक है तो कैसे देंगे थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट अपॉन थ्री, ठीक है। अच्छा सेम इधर देखें फाइव मल्टीप्लाई, देखो फाइव मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन टू, फाइव सिक्स चा थर्टी, थर्टी अपॉन टू कट शॉर्ट होता है, हाँ होता है थर्टी और टू का कट शॉर्ट होगा, क्यों थर्टी के पीछे जीरो है, किसी भी नंबर के पीछे जीरो टू फोर सिक्स एट मतलब इवन नंबर हो ना वो टू से कट शॉर्ट होता है, होता ही होता है, ठीक है तो थर्टी को टू से कैसे कट शॉर्ट करोगे, तो आपको शायद नहीं फाइव पर आपको आना चाहिए, अभी आप सेवंथ में आ गए हो आपको आना चाहिए, ये कट शॉर्ट कैसे होता है देखो, ये पहला नंबर देखो टू वन जा टू, अब यहाँ थर्टी को कट शॉर्ट करना है ना, रुको मैं दूर दूर करके दिखाती हूँ, देखो थर्टी अपॉन टू है, ठीक है टू वन जा टू, तो देखो ये टू वन जा टू है, वन बचा वन आगे आया, ठीक है वन आगे आया तो यहाँ वन आया तो क्या हुआ टू फाइव जा टेन हो गया, ठीक है इस तरह से, ठीक है मतलब टू वन जा टू थ्री, पहले थ्री को देखने का, थ्री को देखा तो टू वन जा टू, तो थ्री में से टू के वन बचे तो वन यहाँ आगे आएगा टू फाइव जा टेन, ठीक है इसको कट शॉर्ट करना बोलते हैं, डायरेक्ट कट करना, ठीक है टू वन जा टू, टू वन जा टू और वन यहाँ तो टू फाइव जा, अगर आपको नहीं आता है कट शॉर्ट तो थर्टी अपॉन टू सिंपल डिवाइड करो टू इधर और थर्टी, टू वन जा टू थ्री में से टू गया वन जीरो नीचे उतारो टू फाइव जा टेन, ठीक है तो 15 इज द आंसर, ये 15 आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा आप सेवंथ एट नंबर देखें, इलेवन मल्टीप्लाई फोर अपॉन सेवन और एट क्या है ट्वेंटी मल्टीप्लाई फोर अपॉन फाइव, ठीक है इलेवन मल्टीप्लाई फोर अपॉन सेवन और ट्वेंटी मल्टीप्लाई फोर अपॉन फाइव, ठीक है तो कैसे करेंगे ऊपर वाले के साथ, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर अपॉन सेवन, ठीक है इलेवन फोर जा फोर्टी फोर अपॉन सेवन, सेम इधर देखो ट्वेंटी फोर जा एट्टी अपॉन फाइव, ठीक है ट्वेंटी फोर जा एट्टी अपॉन फाइव। अच्छा आप क्या करेंगे फोर्टी फोर अपॉन सेवन, तो सेवन कट शॉर्ट करो, फोर्टी फोर को सेवन से नहीं होगा तो नहीं हो रहा है तो क्या करोगे फिर से सेवन को फोर्टी फोर से करो,
सेवन सिक्स जा 42, तो फोर में से टू क्या टू बचा, ठीक है, फोर में से फोर जीरो तो टू बचा। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ सेवन साइड वाला है, जो ये बाहर है वो नीचे आएगा, ठीक है, जो बाहर है वो नीचे आएगा, फिर ऊपर है वो सिक्स, ठीक है, सेवन सिक्स जा 42, सेवन सिक्स जा 42, और ये जो अपॉन में है वो ऊपर, ठीक है, जो ऊपर है वो साइड में और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, ठीक है, चेक कर लो खुद को, सेवन सिक्स जा 42, 42 प्लस 2 44 अपॉन 7 मतलब सही है। एक बार ये ना खुद को चेक कर लिया करो, ऐसे करने के बाद ना चेक करोगे तो खबर पड़ेगी आंसर गलत नहीं, कभी गलत भी हो जाता है उतावड़ में, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 24 जा 80 अपॉन 5, फिर से देखो पीछे जीरो है, फाइव की टेबल पीछे जीरो हो ना, जीरो या फाइव हो तो फाइव की टेबल से कटता है, तो देखो जीरो है ये कटेगा, आपको डायरेक्ट फाता है तो डायरेक्ट करो, देखो एक फाइव वन जा फाइव, पहला वाला एट है एट, तो फाइव वन जा फाइव कितना बचा, सिक्स सेवन एट थ्री बचा ना, तो यहाँ थ्री आएगा तो 30, फाइव सिक्स जा 30, 16 आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कट करना आप थोड़ा सीखो, क्योंकि अभी आप सेवन्थ में आए हो, आना चाहिए, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, सिक्स सेवन एट थ्री, फाइव सिक्स जा 30, ठीक है, 16 है। तो अब आप क्या करेंगे, 16 तो आप अगर नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे डिवाइड करके चेक करा करो, फाइव और एटी, ठीक है, फाइव वन जा फाइव, सिक्स सेवन एट थ्री बचा, जीरो नीचे, फाइव सिक्स जा 30, ठीक है, 16। बच्चों नाइन्थ नंबर में देखो, नाइन्थ नंबर 13 वन जा 13 अपॉन 3, ठीक है, तो 13 अपॉन 3, तो देखो 13 अपॉन 3 का कट शॉर्ट नहीं होता है, 3 की टेबल में 13 नहीं आता है, काफी इंटेलिजेंट लोग 13 अपॉन 3 होता है ना, 3 3 कट और 1 आंसर लाते हैं, महान, बहुत महान बच्चे होते हैं वो, ठीक है, पर ऐसा नहीं करना होता है आपको, 13 नंबर है पूरा, ठीक है, ऐसा नहीं करना, आप महान लोगों की लिस्ट में नाम आ जाएगा, 13 अपॉन 3 है, 3 को 13 से काटना है, 3 की टेबल में 13 आता है नहीं आता है, ठीक है, तो मतलब कट शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है, कट शॉर्ट नहीं हो रहा है तो डिवाइड करो, ठीक है, तो 3 13, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 1, ठीक है, 13 अपॉन 3, ठीक है, तो इस तरह से होगा आपका। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से 15 3 अपॉन 5, तो 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, 15 3 जा क्या होता है 45 होता है अपॉन 5, ठीक है, 5 की टेबल में 45 कब आता है वो तो हमको पता है, 5 की टेबल तो आती है हमको, हम सेवन्थ में आए, 5 वन जा 5 9 जा, ठीक है, 9 अपॉन 1 इसका मतलब 9, ठीक है, 9 फाइनल आंसर आपका। तो इस तरह से आप इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद रिड्यूस, मतलब रिड्यूस करना मतलब कट शॉर्ट करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन, जरूरी नहीं है जबरदस्ती करना ही है, कट शॉर्ट नहीं होता है तो नहीं करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा तो नहीं करना है, ठीक है, जिसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसका ही करना है, मल्टीप्लाई तो कंपलसरी करना ही है, मल्टीप्लाई तो सब में करना, रिड्यूस मतलब कट शॉर्ट होता है तो करो नहीं तो नहीं, और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है तो करो नहीं तो नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कंपलसरी करना ही करना है। चले आगे देखते हैं बच्चों, अभी क्वेश्चन 4 है, अभी हम आज एक ही मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को ही पकड़े हुए हैं, आपकी एनसीईआरटी की प्यारी एक्सरसाइज को ही पकड़ के बैठे हैं, आपकी कौन सी एक्सरसाइज है ये 2.2, ठीक है, 2.2 में क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एनसीईआरटी, आज एनसीईआरटी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम एनसीईआरटी को चिपक गए हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, शेड फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, ठीक है, ये बॉक्स ए बनाया है, कह रहा है इसमें शेडिंग करो आधे सर्कल्स में, हाफ ऑफ द सर्कल्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शेड करो हाफ ऑफ द सर्कल्स। अब देखो यहाँ पहले तो समझने वाली बात है, हाफ ऑफ द सर्कल्स, तो देखो सॉल्यूशन, हाफ ऑफ द सर्कल्स, ठीक है, अच्छा हाफ का मतलब हाफ ही होता है, ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑफ ऑफ वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई, द सर्कल्स, सर्कल्स कितने काउंट करो,
सर्कल्स कितने काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर्कल्स हैं, तो 10 सर्कल्स की जगह क्या आएगा, 12, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो, अच्छा डायरेक्ट कट शॉर्ट आता है तो डायरेक्ट कर दो, नीचे ऊपर सीधा कट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो तो पिछला क्वेश्चन ऐसे था, उसने बोला था भाई पहले मल्टीप्लाई करो फिर कट शॉर्ट करो, वो सब जफा करी हमने। या सीधा बात है, सीधी बात है, ऊपर और नीचे कट शॉर्ट होता है, तो सीधा ऊपर नीचे कट शॉर्ट कर दो, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना बचा, 6, ठीक है, 6 मतलब कितना शेड करना है, 6 को शेड करना है, तो कितने देखो यहाँ सर्कल 6 को शेड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है क्योंकि हाफ सर्कल्स को शेड करो, तो पहले आपने सम किया, सम करना पड़े ना आपको, हाफ ऑफ द सर्कल्स आपको क्या पता, ठीक है। तो आपने हाफ की जगह हाफ रखा, ओएफ ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 10 सर्कल्स आपने सर्कल काउंट किए कितने हैं, उसके बाद आपने कट शॉर्ट किया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ बच्चों। अभी सेकंड में क्या पूछ रहा है, शेड 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, कह रहा है बॉक्स बी में 2/3 ट्रायंगल्स शेड करो, ठीक है। तो पहले ये सम की तरह से करो, पहले सम करो इसका सॉल्यूशन, देखो 2/3 तो 2/3, ऑफ का मतलब ओएफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर लिख दो, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, तो ट्रायंगल्स कितने, ट्रायंगल्स देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन ट्रायंगल्स हैं, तो द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितने हैं, 9, टोटल ट्रायंगल्स 9 है, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, मैंने आपको बोला ना कट शॉर्ट आप सीधा कर सकते हो, आपको पहले मल्टीप्लाई करके फिर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हो, नीचे ऊपर आराम से कट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 जा 9, ठीक है, तो 2 3 जा क्या होगा, 2 3 जा 6 हुआ, ठीक है, तो 6 ट्रायंगल्स को शेड करोगे, कितने को, 6 को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मैंने पूरे लेक्चर में मैंने सारी जफा की है, ठीक है, मैंने घड़ी घड़ी में हम मैंने सब जो भी किया है, मतलब डायग्राम्स बनाए हैं, सब कुछ किया है, आपको भी करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, आप फिर मैं देखती हूँ आपकी बैच में तो इतने मतलब किंग और क्वीन भरे पड़े हैं, जिनको कुछ थोड़ा सा काम करते से बहुत आलस आता है। मैंने करी है ड्राइंग, आपको भी करनी है, ठीक है, ये जरूरी है इसलिए मैंने की है, ठीक है, वरना टाइम पास होता तो मैं भी नहीं करती, आपको भी करनी है बच्चों। थर्ड नंबर देखो, शेड 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, कह रहे बॉक्स सी में 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स शेड करो, फिर से पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन पहले सम करना पड़ेगा, ठीक है, 3/5 तो 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, द स्क्वायर्स का मतलब कितने स्क्वायर्स है, काउंट करो कितने स्क्वायर्स है, यहाँ पे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 स्क्वायर्स है, तो 15 तो कट शॉर्ट करो, 15 को कैसे, 15 और 5 को कट शॉर्ट करो, तो 5 1 जा 5, 3 जा 15, तो इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ठीक है, तो ये 9, तो 9 है तो 9 को शेडेड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो ये 9 शेडेड हुए, ठीक है, और ये बाकी रहे, ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने शेड करने के लिए बोला है बच्चों। अभी क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड, अभी भी हम आपके एनसीईआरटी पे ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, आज एनसीईआरटी प्रेम जागा है, ठीक है। देखें यहाँ पे क्वेश्चन 5, फाइंड करो ए हाफ ऑफ 1/24 और 2/46, इसमें देखो ए में इन्होंने आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं,
ये फर्स्ट और ये सेकंड दो क्वेश्चन आपसे साथ में पूछ लिए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले का, फर्स्ट का क्या करोगे, क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ 24 मतलब हाफ ऑफ 24, ठीक है। तो हाफ का मतलब हाफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और 24। कट शॉर्ट करो 2 के साथ 24 का कट शॉर्ट, 2 की टेबल में 24 कब आता है हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब 2 की टेबल में 24 12 टाइम्स आते हैं, तो 12 आंसर, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा इसका सेकंड, सेकंड नंबर भी करना है ना, सेकंड हाफ ऑफ 46, ठीक है। ये हाफ ऑफ दोनों के लिए सेम है भाई, इसके आगे भी हाफ ऑफ लगेगा, इसके आगे भी हाफ ऑफ लगेगा, ठीक है, 46, ठीक है, हाफ ऑफ 46, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई और 46, ठीक है। कट शॉर्ट करें, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 21 23 जा 23, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को हाफ देना है, हाफ इसको भी देना है, हाफ इसको भी देना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 123 जा 23। अभी बी नंबर करेंगे, बी वाला देखें, ठीक है, 2 अपॉन 3 ऑफ 118 और 227 कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन 2 अपॉन 3 ऑफ 18 फर्स्ट, ठीक है, पहला वाला 2 अपॉन 3 ऑफ 18, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ऑफ का क्या होगा, मल्टीप्लाई 18, ठीक है। 3 का 18 से या 2 से कट शॉर्ट करो, नीचे ऊपर कट शॉर्ट होता है करो, तो 3 की टेबल में 18 कब आता है, 3 1 जा 3 6 जा, ठीक है, तो क्या होगा, 2 6 जा 12, ठीक है। अपॉन में तो 1 है, अपॉन में 1 का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। इसका ये देखो सेकंड नंबर भी है, सेकंड पार्ट, 2 अपॉन 3 ऑफ 27, ठीक है, फिर से कट शॉर्ट करें, 3 1 जा 3 9 जा, ठीक है, तो 2 9 जा 18, ठीक है, तो 18। अच्छा अब सी नंबर करते हैं, ठीक है, सी नंबर देखते हैं, नंबर 3 अपॉन 4 ऑफ 116 सेकंड 36, ठीक है, 3 अपॉन 4 ऑफ 116 और सेकंड 36, तो कैसे करेंगे, ठीक है, फिर से फर्स्ट 3 अपॉन 4, इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हर मतलब ए में भी 1 2 था, बी में भी 1 2 है, सी में 1 2 और डी में भी 1 2 है, तो देखो फर्स्ट 3 अपॉन 4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16, ठीक है, तो 4 1 जा 4 4 जा 16, ठीक है, 3 4 जा 12, ठीक है, तो 12। फिर सेकंड देखो 3 अपॉन 4 ऑफ 36, ठीक है, 3 अपॉन 4 ऑफ 36, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 36, 4 की टेबल में 36 का बात है, नीचे ऊपर कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4 9 जा, ठीक है, 4 9 जा 36, 3 9 जा 27, ठीक है। डी नंबर देखो अब लास्ट डी, ठीक है,
नंबर देखो 4 अपॉन पाई ऑफ 20 बी 4 अपॉन पाई ऑफ 120 टू 35 ठीक है 4 अपॉन पाई ऑफ 120 टू 35 ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर से सॉल्यूशन, तो फर्स्ट क्या है 4 अपॉन पाई ऑफ 20 4 अपॉन पाई ऑफ 20 ठीक है, सेकंड 4 अपॉन पाई ऑफ 35 ठीक है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 4 अपॉन पाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20 ठीक है, 5 वन जा पाई 4 जा 20 ठीक है, 4 4 जा 16 ठीक है, इसका आंसर 16। और इसका देखें फिर से 4 अपॉन पाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 35 ठीक है, 5 वन जा पाई 7 जा 35 4 7 जा 28 ठीक है। नीचे ऊपर कट शॉर्ट आराम से हो सकता है और ऑफ ओ एफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये सब सोच के ही आप ये पूरे सम्स अच्छे से कर सकते हो। बच्चों अभी आपका होमवर्क देख लो, आज आपने जैसा सीखा ना उसी में से ये होमवर्क है सारा, बहुत इजी होमवर्क है, आराम से आप कर लोगे ठीक है। होमवर्क में मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म है, मैंने आपको 7 दिए हैं, डीवाई बाय का मतलब मल्टीप्लाई की साइन लगानी है ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ जो कट शॉर्ट होता है वो कर दो ठीक है। आप बल्ले पहले जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको कराया था भाई पूरा मल्टीप्लाई कराया था वैसे मत करना, आपसे कट शॉर्ट होता है तो डायरेक्ट कर दो कोई बात नहीं ठीक है, कट शॉर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो करो नहीं तो बस ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 और उनके सातों के मैंने आंसर लिखे हैं साथ में ठीक है। अगर आपके मैच होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच होते हैं तो ये वीडियो फिर से सारा देखो ठीक है, मतलब आपको पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है ठीक है। चलें थैंक यू, अच्छे से क्वेश्चंस देखें पहले।